सबको पास में चोलीबंद फैला दे। आप दूसरे देवादेवी के पास में भागवत में कथा दी है, ये खट्वांग महाराज एक समय सारे देवता लोग खट्वांग महाराज को सेनापति पद में नियुक्त किया और उन्होंने दैत्य को साथ में लड़ाई की और उन्हें दैत्य को परास्त कर दिया। अभी 33 करोड़ देवता जिन जिन देवता को हम पूजा करते हैं अभी सारे देवता प्रसन्न हो गए, बोले बताओ बर मांगो। तो उन्होंने बताया देखो तुम लोग से बर लेकर के तो विषय भोग करूंगा। बोले हाँ। बोले पहले ये देखो मैं कितने समय जिंदा रहूंगा। बोले तेरे पास में केवल एक मुहूर्त समय, मतलब 48 मिनट ही। बोले एक काम कर सकते हो, मेरी परमाई को थोड़ी बढ़ा सकते हो। बोले नहीं कर सकते। बोले मेरे को मुक्ति दे सकते हो। बोले नहीं कर सकते। बोले भैया फिर तुमको संतुष्ट करके क्या लाभ है, अगर मेरी परमाई भी बढ़ा नहीं सकते हो, संसार से मुक्ति नहीं करा सकते, फिर क्या कर सकते हो। तो उन्होंने पूछे भैया ये काम को कौन कर सकता है। बोले एक ही ठाकुर कर सकता है, श्री वाकेलिया है। इसलिए उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब क्या है, जो हमें मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं झोली फैलाओ ना, ऐसे तैसे देवा देवियों को पास में झोली मत फैलाओ। झोली फैलाओ तो किसको पास में फैलाओ, श्री ठाकुर जी को पास में। यदि गिरिराज गोवर्धन कौन है, लिए और कोई नहीं, ये कृष्ण ही, ये गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण ही रूप धारण किए। इसलिए उन्होंने पूजा किसकी बंद करवा दी, बल इंद्र की। बल इंद्र कौन है, बल ये सारे देवताओं का राजा है, उनका उन्होंने पूजा बंद करवा दिया। बल पूजा करना तो किसकी पूजा करो, श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, हमारी सारी इच्छाओं को जो पूरी कर सकते हैं। ये पहला संख्या है। दूसरी संख्या है, अभी इंद्र का मन में बड़ा अभिमान। बोले क्या है, बोले जितनी भी ब्रजवासी अगर कभी नंद बाबा पान खाते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, कृष्ण उनको मुंह में से अंगुल डाल करके उनको झूठन लेकर कृष्ण खाते हैं। नंद बाबा कभी कृष्ण को गोद में बैठा करके कभी एक और तो खुद खाते हैं दही चावल, कभी एक और कन्हैया को, कभी दाऊ बुढ़िया को बांध देते हैं, कान पकड़ते हैं। बोले ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं, ये ब्रजवासी की एक चरण